भाई अब बोल क्या कर रहा था तू भाई की है क्यों धक्का दे रहा बताऊं तने भाई मैंने जान दे मैंने झगड़ा ना करना बताऊं तने भाई धक्का क्यों दे रहा बताऊं अरे भाई यहां पर आप बच के जाना चाहते हो लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं हो फिर भी वो बंदा आपको इसी तरह से पीछे से धक्का मारता है और यहाँ पर आपको गिराने की कोशिश करता है तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अपना डिफेंस कर सकते हो और आसानी से यहाँ से बच के जा सकते हो। दोस्तों अगर आप लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं हो और यहाँ से आप इस तरह से बच के निकलने की कोशिश करते हो और इसी के साथ अगर वो बंदा पीछे से आपको सेम इसी तरह से आपको धक्का मारता है और यहाँ पर गिराने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आज मैं आपको दो किक बताऊंगा जिनका आप रोड फाइट में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए जैसे वो धक्का मारता है और आपकी बॉडी इस तरह से आगे की तरफ झुकती है तो यहीं पर आपने जैसे वो धक्का मारने के लिए आता है तो यहीं पर अपनी किक का इस्तेमाल उसके फेस के ऊपर इस तरह से करना है। इस तरह से यहाँ पर आप बैक किक उसके फेस पे लगाते हुए आसानी से बच के जा सकते हो। क्या देखे दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको पीछे से धक्का मारता है और इसको आप अच्छे से सबक सिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आपने दूसरी किक का इस्तेमाल करना है जो कि राउंड किक है। राउंड किक के अंदर जैसे आपको धक्का मारता है तो उसी के साथ आपने पीछे मुड़ के देखना है और वो दोबारा धक्का मारने के लिए आता है तो यहीं पर आपने राउंड किक का इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप यहाँ पर राउंड किक उसको मारते हुए दूसरी बार भी यहाँ पर अपनी किक का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से अपना डिफेंस करके और उसको अच्छे से सबक सिखा करके बच के जा सकते हो। ये देखे दोस्तों दोनों ही किक बहुत ज्यादा डेंजर है तो जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें एनएसएसआर इनका इस्तेमाल ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।